हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं योगेश कुमार। क्विक रिवीजन सीरीज जो अपनी ब्रह्मपुत्रा सीरीज चल रही है ज्योग्राफी के लिए, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने, और वो है आपका वॉन थ्यूनेन का लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज थ्योरी है, उससे हमेशा से एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो टॉपिक्स हैं अपन जो कर रहे हैं, वो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। लगभग 100% ये वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके उनकी सीरीज भी पूछ ली जाती है कई बार के लिए। सेंट्रल सिटी से आउटर सिटी में अपन जाएंगे तो कौन से यहाँ पे जोन्स हैं, 6 टाइप जिसने बताए थे वॉन थ्यूनेन साहब जो थे, उन्होंने 6 टाइप बताए थे लैंड यूज पैटर्न के। ठीक है, बहुत सारे जर्मनी के शहरों का, यूरोप के शहरों का अध्ययन करने के बाद में उसी पे अपन क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्रीफ में मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है नॉटिकल साइंसेज से किया है, इसका मतलब होता है यहाँ पे समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान से किया है, मुंबई यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ज्योग्राफी से मैंने यहाँ पे MSc किया हुआ है और PhD मैंने अपना सबमिट कर दिया है। सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेरा रिसर्च का टॉपिक था। ठीक है, मैं नेट और GRF दोनों क्वालिफाइड हूँ UGC के एग्जाम में, और CSIR का नेट का एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ। इंटर्नशिप्स की बात करें तो मैनेज हैदराबाद और CSIR CMAP लखनऊ से मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है, और एक यूनिवर्सिटी के साथ में यहाँ पे 2 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर यहाँ पे काम का मेरे को अनुभव है, और लगभग 8 से ज्यादा साल मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाते हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्विक यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो कि मैं जल्दी से शेयर कर देता हूं कि जो लोग 2024 का दिसंबर का सेशन अपने साथ लेंगे, एनरोल करेंगे ज्योग्राफी या फिर अदर सब्जेक्ट्स में, तो उसको जॉब गारंटेड यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है, आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, आप जॉब गारंटी कैसे देंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर सिलेक्शन होता है नेट GRF के साथ में, तो आपको GRF अड्डा के साथ भी जुड़ने का मौका मिल सकता है और जॉब ऑफर हो सकती है। और हर 15 डेज में यहाँ पे जो भी ऑफर रहेंगे ऑल ओवर इंडिया, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कोई वैकेंसी निकलती है तो आप नेट GRF क्वालिफाइड हैं तो आप उसमें पढ़ा सकते हैं। वो आपको अपडेट किया जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाएगा और मेंटोरशिप भी आपकी की जाएगी। तो इसलिए ये वाला जो कोर्स है आपका जॉब गारंटीड कोर्स है। ठीक है, अपन यहाँ पे लेके आ चुके हैं यहाँ पे 100 सुपर 100 बैच। इसका मतलब ये हुआ कि 100+ अपने को GRF इस बार देनी है December 24 के एग्जाम में। ये एक बैच अपना कंप्लीट हो चुका है, दूसरा बैच अपना चालू है 2024 दिसंबर के लिए। ये एप्लीकेशन है GRF अड्डा की, और उसके यहाँ पे पेपर फर्स्ट और सेकंड के, ये आपकी सारी इतनी सारी क्वालिटीज के साथ में आपके दोनों पेपर अवेलेबल है। लगभग 11 पेपर 2 आपके, लगभग 11 पेपर 2 बड़ा नंबर होता है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट GRF अड्डा के हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, और ये सारे स्टूडेंट आप भी यहाँ पे अपना पिक्चर लगवाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप GRF अड्डा से जुड़िए और यहाँ पे बहुत ही विश्वसनीय और एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक टीम से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये कि रिसेंट में IND20 नाम से यहाँ पे ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट के लिए, आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका नेट GRF के एग्जाम के लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तो आपका मंडे और थर्सडे को यहाँ सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक टेस्ट होगा। कोई इंक्वायरी चाहे तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लाइव टेस्ट ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि वॉन थ्यूनेन जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, ज्योग्राफर भी थे और इकोनॉमिस्ट थे, जर्मन ज्योग्राफर भी थे इकोनॉमिस्ट भी थे, कौन? वॉन थ्यूनेन। उनका लैंड यूज का जो मॉडल है उससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किसी भी शहर में, किसी भी टाउन में इन्होंने स्टडी की थी, यूरोप के यहां पे शहर, ठीक है, उन टाउन्स में, उन शहरों में जो लैंड यूज का पैटर्न है कैसा रहता है। ठीक है, लैंड यूज एग्रीकल्चर का लैंड यूज है, उसका पैटर्न कैसा रहता है, कोई छोटा शहर है, बड़ा शहर है, इन्होंने इस पर रिसर्च की और उन्होंने काफी सारी थ्योरीज भी दी। ठीक है, उन थ्योरीज में जैसे है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स को कंबाइंड करके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की यहाँ पे थ्योरीज दी। कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा,
यहाँ पे कैपिटल फॉर इकोनॉमिस्ट थे ना, तो ज्योग्राफी के कंसेप्ट अपन यहाँ पे भी पढ़ते हैं, वेजेस, इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एनालिसिस, इस प्रकार से बहुत सारे थ्योरीज थी। ये इनका लाइफ स्पेन है 1783 से 1850 में, ठीक है। तो वॉन थ्यूनेन का लैंड यूज पैटर्न अपन देखते हैं एक मैप के थ्रू, एक मतलब डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। देखो बहुत आसान है, आपने बार बार पढ़ा होगा, मैं इसका क्विक रिवीजन करा देता हूं। एक क्वेश्चन आपके यहां से आने के 100% चांसेस है, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखो सबसे पहली बात कि यहां पे सेंटर में ये एक जगह है, ठीक है, वो क्या है, आपकी सेंट्रल सिटी है सबसे, जिसको आप कह सकते हैं सीबीडी भी कह सकते हैं, कल अपन बात कर रहे थे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या फिर सेंट्रल सिटी है, शहर है सबसे यहां पे। इससे एक बीच में निकलती है क्या, एक नदी। आप देख सकते हैं यूरोप के कई सारे शहर है, इंडिया में भी नदी किनारे बसे हुए हैं, नदी के दोनों तरफ ही वहां पे सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं, वहां पे बसावट रहती है, वहां पे लोग रहते हैं, नदी के दोनों किनारे रोड रहते हैं, हाईवेज रहते हैं। अब देखेंगे कि साबरमती रिवर फ्रंट, नाम सुना होगा, उद्घाटन किया है जयपुर में, मतलब गांधीनगर में आपका, गुजरात में, तो दोनों तरफ वहां पे पर्यटन के स्थल है। उसी प्रकार से ये सेंट्रल सिटी है और यहाँ पे ये नेविगेबल रिवर है। इसके सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा पहला वाला जोन है आपका, वो मिलेगा आपको पहला वाला जोन, वो है आपका क्या कि पहला वाला जोन है वो है आपका मार्केट गार्डनिंग एंड डेयरी। देखो शहर में जो भी लोग रहते हैं, ये शहर है, उनको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई, खाने पीने की, गार्डनिंग की, फूल सब्जियां, फल फूल सब्जियां, और उसके साथ में डेयरी। तो पहला वाला जोन है किसके हिसाब से, वॉन थ्यूनेन साहब के हिसाब से पहला वाला जोन है, टोटल है आपके 6 इस प्रकार से, शहर से बाहर की तरफ जाएंगे तो पहला वाला है आपका मार्केट गार्डनिंग, मार्केट के हिसाब से गार्डनिंग, डिमांड किसकी है, फल सब्जियां वहां पे सबसे जरूरी चीज है, तो यहाँ के इस वाले रीजन में आपका क्या उगाया जाएगा, एग्रीकल्चर में क्या एग्रीकल्चर किया जाएगा, मार्केट गार्डनिंग और डेयरी, डेयरी से दूध का प्रोडक्शन होगा। तो याद रहेगा पहला जोन कौन सा है, मार्केट गार्डनिंग एंड डेयरी। पूछते हैं सेकेंड वाला है फायरवुड एंड लंबर, ये इसलिए यूरोप के देशों में ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है, फल सब्जियां खा ली, ठीक है, फूड का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन सर्दी इतनी है कि जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, वुड चाहिए, फायरवुड चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे फायरवुड और लंबर के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ जोन में वहां पे लकड़ी उगाया जाता था, मतलब पेड़ पौधे उगाए जाते थे जिनसे कि आपका फायरवुड या फिर लंबर का प्रोडक्शन किया जा सके। दूसरे नंबर पे तीसरा, चौथा और पांचवा एक दूसरे से रिलेटेड है, तीसरा चौथा और पांचवा नोट, दूसरा अलग है, क्रॉप फार्मिंग, जो फार्मिंग की जाएगी, ये लैंड यूज का पैटर्न है एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्रॉप फार्मिंग की जाएगी विदाउट फैलो का मतलब कोई भी परती भूमि, फैलो लैंड नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि शहर के बिल्कुल पास में है, यहाँ पे स्कोप नहीं है खाली जमीन छोड़ने का, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन लेके आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकेंगे, आपको वहां पे पैसा अर्निंग होगी, इसलिए तीसरे नंबर पे फैलो लैंड नहीं छोड़ा जाएगा, विदाउट फैलो, समझ गए रीजन, समझ गए, क्योंकि शहर के लगभग पास में है, यहाँ पे खाली जमीन छोड़ने का, फैलो लैंड छोड़ने से आपको नुकसान हो जाएगा इकोनॉमिकली। दूर हटेंगे थोड़ा सा, क्रॉप फार्मिंग करेंगे, क्रॉप फार्मिंग मतलब कि खाने वाली फूड ग्रेन्स का किया जाएगा विद 14% फैलो लैंड। देखो थोड़ा थोड़ा फैलो लैंड छोड़ने का, प्रतिभूमि छोड़ने का आप सबने नाम सुना होगा, रिवाज है इंडिया में भी, उससे क्या होगा कि एक सीजन अपन ने खाली छोड़ दिया तो उसमें बायोलॉजिकल या फिर जो भी सोइल में जो एक्टिविटीज रहती हैं वो आपकी कंप्लीट होती है और उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। तो 14% का मतलब ये हुआ कि 1498 मतलब कि 7 साल में एक बार फैलो लैंड छोड़ दी जाएगी, परती भूमि छोड़ी जाएगी 7 साल में, मतलब कि कोई एक बड़ा पार्ट है भूमि का, मतलब 100 बीघा है, तो एक बार में 14% छोड़ दिया, बाकी दूसरे पे खेती कर रहे हैं, अगली साल क्या करेंगे, दूसरा वाला 14% छोड़ दिया, तो 7 साल में 7 ईयर्स में पूरी लैंड का यहां पर नंबर आ जाएगा। समझ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, 14 × 7 कितना हुआ 98, लगभग आपका 100%, मतलब कि 7 साल में 7 ईयर्स में आपका
फेलो लैंड का एक चक्र कंप्लीट हो जाएगा अगर वो भूमि 100% है तो। ठीक है, क्रॉप फार्मिंग विद 47 फेलो लैंड, या फिर कह सकते हैं कि 1/7 जो लैंड है उसको फेलो छोड़ाएगा 1/7। अगले वाले में आ रहा है कि 3-field system, इसका मीनिंग ये हुआ कि 30%, यहां पे 14% था, 33% फेलो लैंड छोड़ी जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो कुल भूमि है उसका 1/3 part छोड़ दिया एक साल प्रति भूमि, दूसरी साल 1/3 part, तीसरी साल 1/3 part, मतलब कि 3 साल में ये एक साइकिल पूरा हो जाएगा और प्रति भूमि मतलब कि फेलो लैंड छोड़ दिया जाएगा, तो उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं ले सकते। प्रति भूमि का कंसेप्ट समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। 3, 4, 5 फेलो लैंड से रिलेटेड है, क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला हो गया मार्केट गार्डनिंग और डेयरी, सेकेंड फायरवुड और लंबर, 3, 4, 5 तीनों के तीनों क्या है आपके क्रॉप फार्मिंग। एक विदाउट फेलो, एक है 1/7 फेलो लैंड, एक है 1/3 वाली 1/3। ठीक है, 6th नंबर और आखिरी है आपका लाइव स्टॉक फार्मिंग, बड़े बड़े यहां पे खेत खलियान रहेंगे, बड़ा लैंड एरिया रहेगा, वहां पे लाइव स्टॉक को पाला जाएगा, वहां पे उसकी रियरिंग की जाएगी। ठीक है, उसकी रेंचिंग की जाएगी, रेंचेज का आपने नाम सुना होगा, उससे वहां पे डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन और मीट का प्रोडक्शन, वहां पे वूलन का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। आसान सा है वॉन थ्यूनेन का लैंड यूज पैटर्न, टोटल 6 जोन है इसके, 6 यहाँ पे सेक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहला और दूसरा है आपका, पहला है आपका मार्केट गार्डनिंग, सेकंड वन इज फायरवुड एंड लंबर, 3, 4, 5 आपका क्रॉप फार्मिंग से रिलेटेड है, 3 नंबर पे विदाउट फेलो, 4 नंबर पे 14% फेलो मतलब 1/7, 5th नंबर पे 33 मतलब फेलो लैंड मतलब कि 3 साल वाला रूल लगेगा 1/3 वाला, और 6th नंबर पे लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक रेंचिंग, आपके बड़े बड़े यहाँ पे रेंचेज में बहुत सारी, जैसे पिग फार्मिंग, ठीक है, काउ फार्मिंग मतलब कि शीप हर्डिंग मतलब कि भेड़ से ऊन प्राप्त करना, आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस सब के बेटर एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका हो गया वो सॉरी वॉन थ्यूनेन का एग्रीकल्चरल लैंड यूज पैटर्न, एक सिटी के आधार पर, एक शहर के आधार पर। तो इसी प्रकार से ज्योग्राफी के सारे सेशंस, ज्योग्राफी के पूरा सिलेबस जो कि अपना 27 अगस्त से स्टार्ट होने वाला, इसी पैटर्न से डायग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, जिसमें मेरा काफी इंटरेस्ट भी है, अपन सारे के सारे कवर करेंगे। तो अब जी हाँ, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी अपन ने, मैंने बताया कि 27 अगस्त से आपका ज्योग्राफी और पेपर फर्स्ट का दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बिना देरी के आप जुड़ सकते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है 20% का, है ना। ठीक है, जुड़ते रहें और 28 अगस्त के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और जुड़े रहे इसी प्रकार से। लगभग आपको शाम को 5 बजे अपन लाइव जुड़ते हैं, वहां पे आपका मैराथन सीरीज, क्विक रिविजन सीरीज चल रहा है, और PYQs का सीरीज अपना चल रहा है, वहां से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। और इस सेशन को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। अपन एक नए सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे, शाम को 5 बजे अपन फिर मिलेंगे लाइव सेशन में 28 अगस्त के साथ ब्रह्मपुत्र सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।